हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर है माया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, एक टॉपिक मेरे साथ शेयर किया है। ये मैं बोलूँगी रिक्वेस्ट नहीं बोलूँगी। तो टॉपिक जो है एक ऐसा टॉपिक जिस पर मैंने अभी तक वीडियो बनाने के बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन ये समस्या हर लड़की की है और शायद मुझे यूट्यूब पे इस टॉपिक पे वीडियो भी नहीं मिला है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर हमेशा चुप रहें। तो इस प्रॉब्लम पर आज वीडियो शेयर करते हैं। बहुत सारी लड़कियों की प्रॉब्लम है, मेरी या आपकी, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी ये समस्या होती है। तो समस्या है तो समाधान भी है, तो आज मैं आप लोग के साथ वो समाधान शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों मैं जिस टॉपिक की बात कर रही हूँ वो है ब्रेस्ट पिंपल्स। जी हाँ, हमारे स्तन पे जो कील मुहांसे हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं माया को एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगी इस टॉपिक के लिए। एंड हाँ दोस्तों, आप भी अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रेस्ट पिंपल्स सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है और आपके कानों में भी गया होगा तो आपको अजीब लगा होगा। आप कहेंगे श्रुति ये क्या हमारे साथ शेयर कर रहे हो, बट नहीं, लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है। अक्सर उनके स्तन पे कील मुहासे और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बट ये बात किसी से वो शेयर नहीं कर पाती। वो नॉर्मली वही पिंपल्स वगैरह की दवा यूज करती हैं और काफ़ी दिनों तक ये रहते हैं, और कभी कभी ये जो पिंपल्स होते हैं एक फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं। दोस्तों इसका समाधान है, इस पर चिंता करने की जरूरत बात नहीं है। देखो बीमारी होती है या प्रॉब्लम होती है तो आप उसे खुल के शेयर करें, अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, या किसी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो आप उसे पाले रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई दिक्कत है आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, बट आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज आपको आपके आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये ब्रेस्ट पिंपल होते क्या हैं। आज तक पिंपल्स की बात करते हुए तो हमें याद आता है कि फेस पर जो पिंपल्स होते हैं, जैसे ये मुझे हुआ है, वही पिंपल्स होते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, हमारे ब्रेस्ट पर भी पिंपल्स आ जाते हैं। वो होता है हमारी लापरवाही की वजह से, या फिर हमारी स्किन ऑयली है उसकी वजह से। ऑयली स्किन वालों को ये प्रॉब्लम होती है, ये मान सकते हैं, बट ऑयली स्किन नहीं है आपकी फिर भी आपको प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आपको साफ सफाई पे ध्यान देना होगा। या आप कहोगे हाँ हम साफ सफाई करते हैं, डेली नहाते हैं तो हो जाती है, नहीं, कभी कभी हम लोग ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें ये समस्या हो जाती है। जैसे कि हम लोग इस वक्त मानसून का सीजन है, आपको पता है हर चीज़ में नमी है, कपड़े बिल्कुल सूख नहीं पाते हो, हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में हल्के जो गीले कपड़े होते हैं ना उनको पहन लेते हैं। हमारी ब्रा जो होती है वो हल्की सी नमी वाली होती है और उसे पहन लेते हैं। अगर नमी वाली ब्रा पहनेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो पिंपल्स का रूप ले लेंगे। जी हाँ, बैक्टीरिया से ही पिंपल्स होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। बिना बैक्टीरिया के पिंपल्स नहीं होते, और बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा वहीं पनपते हैं जहाँ पे नमी हो, जहाँ पे पसीना हो, जहाँ पर हमारे कपड़ों में नमी हो, जहाँ पर हवा है वो नहीं पहुँच पाती है। तो बैक्टीरिया 100% पैदा होंगे और ये बैक्टीरिया पिंपल्स हैं, कील हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेंगे। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नमी वाली ब्रा वगैरह आपको नहीं पहननी है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें। अगर इसमें लापरवाही करेंगे तो समस्या तो पैदा ही होगी। और हाँ दोस्तों, अक्सर क्या करते हैं हम लोग, फेस वॉश करते हैं और हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं और कभी कभी घंटों घंटों गीले हो जाते हैं। तो आप जब फेस वॉश करें या कुछ भी करें, आपके कपड़े गीले हो जाएं तो आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पसीना। जी हाँ, पसीने की वजह से बैक्टीरिया पैदा होंगे और बैक्टीरिया कील मुहासे पिंपल्स तो लाएंगे ही। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पसीने वगैरह की दिक्कत रहती है तो आपको पाउडर, जी हाँ, लूज पाउडर जो आते हैं बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म करने के, घमोड़ियों वालों के लिए ठंडा ठंडा कूल कूल जो भी पाउडर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाउडर नहाने के बाद ज़रूर अपने
बॉडी पे इस्तेमाल करें, अपने बेस्ट पर इस्तेमाल करें, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पिंपल्स हो गए हैं, और हाँ एक चीज़ और याद रखें कि नहाते वक्त हमेशा याद रखें कि अच्छे से सफाई करनी है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम रहती है ब्रश से जुड़ी, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो आप पानी में डिटॉल वगैरह डालकर ही नहाएं, जिससे बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएंगे। बैक्टीरिया नहीं होंगे तो पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, यानी आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और आपने सारे दिन वही कपड़े पहने हैं, तो बैक्टीरिया पैदा होंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप कपड़े दिन में 2 बार जरूर चेंज करें। तो ये कुछ वजह है जिसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अब हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका समाधान क्या है। दोस्तों जैसे हम पिंपल्स के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल्दी है, फिटकरी है, तो वैसे भी हम ब्रेस्ट पिंपल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी केमिकल में दवा भी मिलती है, आप डॉक्टर से दिखा कर ये दवा ले सकते हैं, ना कि मेडिकल स्टोर पर पूछ के कोई भी दवा ले आएंगे पिम्पल्स के लिए, वो नहीं सूट करेगी। आप डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद आप दवा लीजिए, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर बिना पूछे लेंगे तो आपको स्किन रिलेटिव प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो पूछ के ही डॉक्टर से दवा लें। दूसरी दोस्तों, आपने फिटकरी का नाम सुना होगा। जी हाँ, फिटकरी जो पिंपल्स को भी ख़त्म करती है, फंगल इन्फेक्शन को दूर करती है, और घमोनियों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी दूर करती है। अगर आपको दाने होते हैं आपके फेस पर, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पर, तो आपको नहाने के बाद फिटकरी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। फिटकरी जो होती है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। जी हाँ, बहुत ही पुराना नुस्खा है, दाने हैं, घमोड़ियाँ हैं पिंपल्स को ख़त्म करने का। तो नहाने के बाद आप फिटकरी का ज़रूर इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 या 10 रुपए की फिटकरी बहुत होती है, तो आप एक बार फिटकरी ले आइए और उसे अपने बाथरूम में हमेशा के लिए रख दीजिए, ठीक है, और इसका इस्तेमाल करिए। आपको दाने से जुड़ी हुई, मुहासे से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों अगर आपके ब्रेस्ट पर पिंपल्स हैं, तो आप टीटी ऑयल को नहाते वक्त इस्तेमाल कर सकते हो। टीटी ऑयल भी पिंपल्स वगैरह को ख़त्म करने में हमें मदद करता है, बट हर किसी के पास टीटी ऑयल नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप नहाने में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, आप सबको पता होगा। जो हल्दी होती है वो वर्षों से हमारे घरों में दाने, पिंपल्स या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं उनमें मदद करती है। तो हल्दी तो बहुत ही पुराना नुस्खा है, तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, तो आप हल्दी और नीम का एक पेस्ट बनाकर अपने पिंपल्स में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, ये आपको रात भर अप्लाई करना है। ये क्या करेगा, एक तो बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा, और दूसरा है जो मुहासे की जो है उसे छोटा कर देगा, और धीरे धीरे आपके जो बैक्टीरिया हैं जो ख़त्म हो जाएंगे, आपके पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों अब हम लोग नीम की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है नीम भी बहुत पुराना नुस्खा है। उसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और उसका भी इस्तेमाल पिंपल्स हैं, दाने हैं, कील मुहासों को दूर करने में किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप डिटॉल पानी में डाल के नहा सकते हैं। अगर आप डिटॉल नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आप नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, आपको नीम के पत्ते लेने हैं, उसे उबाल देना है, और उबालने के बाद जो पानी निकलता है उस पानी को आप नहाने के पानी में मिलाकर उसको यूज करेंगे, तो बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होगी, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो आप नीम के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हल्दी और नीम के साथ अपने ब्रेस्ट पिंपल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे नुस्खे हैं, पर ये बहुत ही कमाल के हैं। आप इनमें से ज़रूर ट्राई करना, आप इनमें से कोई भी नुस्खा ट्राई कर सकते हैं। ये आप लोग की बहुत हेल्प करेगा ब्रेस्ट पिंपल को ख़त्म करने में। और लड़कियां हमेशा ये बात याद रखो कि यार हमें अपना ख्याल खुद रखना है, हमारा ख्याल कोई और रखने नहीं आएगा। तो आपको हमेशा अपनी साफ़ सफाई पे ध्यान रखना है, ठीक है, पसीने को इकट्ठा नहीं होने देना है, और जो नमी वाले कपड़े हैं उन्हें नहीं पहनना है। अगर ऑयली स्किन है तो आप हमेशा पाउडर का इस्तेमाल करें, और अगर ठीक है अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, आप इतना करने के बाद भी आपकी ऑयली स्किन नहीं है, तब भी आप भी पाउडर का इस्तेमाल करें, और डिटॉल या फिर नीम के पत्तों का जो पानी है उससे नहाएं। और हाँ, नहाने के बाद फिटकरी का इस्तेमाल ज़रूर करें।
तो दोस्तों आई होप ये आज का वीडियो है आप लोग के लिए यूजफुल होगा। यूजफुल होगा तो इसे लाइक एंड शेयर करेगा। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूंगी। दोस्तों आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोग के साथ जानकारी शेयर करूँ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो एक बार फिर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि नीचे जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसे क्लिक कर दो। बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, से भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। दोस्तों वीडियो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मुझे जाना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।